हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्जाम प्लेजर में दोस्तों आज के वीडियो में हम 20 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी पी डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो की जो पी है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जो इसकी पी है उसे डाउनलोड कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का करें रिवीजन करेंगे कल का पहला क्वेश्चन है इंदौर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे उपरोक्त तो सभी अगला है हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहाँ पर छः दिवसीय जीआई महोत्सव का शुभारंभ किया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा वाराणसी में दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट एट मंथ की अगर आपको पी डी बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप इसकी पी डी बुक डाउनलोड कर पाएंगे और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 जारी की है तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने अगला है हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी सेहान तिलका ने ने अगला है किस कंपनी भारत की पहली, पहली मालगाड़ी विकसित की है तो किसने की है याद होगा हिंडाल को ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा अगला है महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि महिला आईपीएल किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साल 2023 से अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आई की पांचवी सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी तो ये कहाँ पे आयोजित की जा रही है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इंडिया में अगला है भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एम कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं तो किस भाषा में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हिंदी भाषा में अगला है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट टू किस संस्थान द्वारा जारी की गई है तो ये जो है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी की गई है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा तो दोस्तों ये कल के थे जिसका हमने रिवीजन किया अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन आज का पहला क्वेश्चन है राज्य सरकार ने कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सी एच सी को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी -पी के आधार पर चलाने का निर्णय लिया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा पंद्रह दोस्तों राज्य सरकार ने लखनऊ सहित पंद्रह जिलों के पंद्रह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इनको सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी के आधार पर चलाया जाएगा पीपीपी पी का मतलब क्या है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ठीक है पंद्रह जिले के पंद्रह सामुदायिक केंद्र हैं स्वास्थ्य केंद्र जो पंद्रह स्वास्थ्य केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ का नगरम है वाराणसी का गजोखर है कुशीनगर का खडन है गोरखपुर का बेलाघाट चित्रकूट का राजापुर श्रावस्ती का मलहीपुर है लखीमपुर खीरी का चंदन चौकी ये क्या ये है ये स्वास्थ्य केंद्र है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहराइच का है विश्वरगंज चंदौली का भोगवाड़ा है महाराजगंज का अडन्न बाज़ार है बलिया का सुखपुरा है फतेहपुर का दपसौरा सोनभद्र में वभानी बलरामपुर में खजूरिया और सिद्धार्थ नगर में सिरसिया तो ये जो है पंद्रह स्वास्थ्य केंद्र हैं इनको सरकार अब निजी भागीदारी यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जो है चलाएगी दोस्तों अभी आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय हैं जो विद्यालय हैं प्राथमिक विद्यालय उनको जो है जो प्राइवेट स्कूल हैं जो बड़े प्राइवेट स्कूल हैं वो गोद लेंगे है ना जो यूपी में प्राथमिक विद्यालय हैं उनको भी जो है प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चलाने की बात कही थी सरकार ने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो है स्वास्थ्य केंद्र को भी जो है निजी भागीदारी के आधार पर चलाने की बात कही है राज्य सरकार ने तो ये आप देख सकते हैं कि जो राज्य सरकार है वो प्रदेश में चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो तो इसको जो है किस आधार पर यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चलाने की बात कर रही है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे अभी जो है स्वास्थ्य केंद्र कितने पंद्रह स्वास्थ्य केंद्र हैं पंद्रह जिलों के हैं इनको जो है निजी भागीदारी के आधार पर चलाने की बात कही गई है अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट सिटी बनाया जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा गोरखपुर को दोस्तों गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट सिटी बनने जा रही है और यह जो है 200 एकड़ में बनाया जाएगा जी यानी कि गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रस्तावित दो के मास्टर प्लान में जगदीशपुर के पास लगभग दो एकड़ जमीन को खेल के मैदान में जो है सुरक्षित किया गया तो और 250 एकड़ जमीन है और यहाँ पर लगभग 200 एकड़ के आसपास जो है स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा इस जमीन पर स्टेडियम में क्या होगा तो क्रिकेट हॉकी फुटबॉल और सभी प्रमुख इंडोर खेलों की अनुमति होगी खेल अकादमी के साथ साथ खेलकूद में लगी चोटों के लिए इलाज की भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तो याद रखेंगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट सिटी बनने जा रही है तो यह बनने जा रही है गोरखपुर में ठीक याद रखेंगे अगला है राज्य की किस संस्थान में हाइड्रोजन जनरेटर डिवाइस तैयार की गई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आईआईटी बीएचयू में दोस्तों डीजल और पेट्रोल और अन्य जो पेट्रोल पदार्थ है उनकी सीमित भंडार का विकल्प दुनिया भर के वैज्ञानिक तलाश रहे हैं दरअसल दोस्तों क्या है कि अभी ईंधन का जो स्रोत है आप लोग देखते हैं डीजल पेट्रोल जो अधिकतर वाहन है वो डीजल पेट्रोल के ही यूज किए जाते हैं तो इसके अलावा भी जो वैज्ञानिक हैं वो विकल्प खोजते हैं कि ईंधन का कोई और स्रोत हो इसके अलावा जैसे देखा जाए कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जो है अभी कई सारे लॉन्च किए गए हैं तो ये भी एक विकल्प है ईंधन का इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो डीजल पेट्रोल के अलावा जो सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है वो होता है हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन जो गैस है ये सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है लेकिन इसको जो है अभी स्टोर करना काफ़ी कठिन है है ना इसको बनाना भी काफी कठिन है तो इसी के चलते जो आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है एक बड़ी उपलब्धि की है उन्होंने जो है पेट्रोल पदार्थों की सीमित भंडार का विकल्प खोजा है और इसके लिए उन्होंने एक डिवाइस तैयार की है हाइड्रोजन जनरेटर नाम से इस डिवाइस को जो है आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने बनाया है और ये जो हाइड्रोजन जनरेटर है ये क्या काम करेगी तो मिथेनेल मिथिनॉल और पानी के मिश्रण से ये जो डिवाइस है ये हाइड्रोजन बनाती है तो ये जो डिवाइस है ये क्या करेगी हाइड्रोजन का निर्माण करेगी हाइड्रोजन बनाएगी दोस्तों इस डिवाइस को बनाया किसने है तो केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं राजेश उपाध्याय है। और उनकी टीम ने जो है इस डिवाइस को बना करके तैयार किया है अब ये जो डिवाइस होगी ये जरूरत की जगह पर इस डिवाइस के जरिए ऑन द स्पॉट यानी कि तुरंत जो है हाइड्रोजन बनाया जा सकेगा और इसका इस्तेमाल डीजल जनरेटर और ईवी चार्जिंग स्टेशनों में भी किया जा सकता है तो ये चीज आप याद रखेंगे कि डीजल पेट्रोल के अलावा जो ईंधन का एक सबसे अच्छा विकल्प है वो क्या है हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन गैस जो है बनाने के लिए एक डिवाइस तैयार की है आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने तो ये चीज आप याद रखेंगे ठीक है और नाम भी यहां पे याद रखे हैं केमिकल इंजीनियरिंग के जो प्रोफेसर हैं राजेश उपाध्याय है, और उनकी टीम द्वारा जो है इस डिवाइस को बनाया गया दोस्तों ये ये जो जो हाइड्रोजन जनरेटर नाम की डिवाइस है ये एक है मिनट में लीटर हाइड्रोजन बना देगी ये इसकी जो है क्षमता है तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे आप कि जो डीजल पेट्रोल के अलावा एक ईंधन का सबसे अच्छा जो स्रोत सबसे अच्छा जो विकल्प माना जाता है वो क्या है हाइड्रोजन गैस और इसको बनाने के लिए किस संस्थान ने जो एक डिवाइस बनाई है आई आई टी बी एच ने अगला है भारत मछली उत्पादन के मामले में विश्व में किस स्थान पर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा तीसरे स्थान पर है दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मरुगन ने यह जानकारी दी है कि मछली उत्पादन के मामले में जो इंडिया है ये देश दुनिया में तीसरे स्थान पर है तीसरा यह सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है तो ये चीज याद रखेंगे अब अगर हम बात करें कि मछली के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है तो याद रखेंगे चाइना चीन जो है ये पहले स्थान पर है दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया ये दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर हमारा देश भारत है याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट मछली उत्पादन के मामले में चीन पहले स्थान पर इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर अगला है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया ऑप्शन नंबर no ए करेक्ट होगा हरियाणा को दोस्तों हरियाणा देश में फिर फिर से जो है है नंबर बन गया है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया सार्वजनिक मामलों की सूचकांक 2022 में हरियाणा को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला हरियाणा ने कुल दशमलव स्कोर प्राप्त किया जो बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा रिपोर्ट के बाद अगर हम देखें कि हरियाणा के बाद कौन सा राज्य है तो तमिलनाडु है केरल है छत्तीसगढ़ पंजाब और कर्नाटक को जो है स्थान मिला है किस मामले में तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के मामले में याद रखेंगे आप हरियाणा देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है दोस्तों हरियाणा की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा से रिलेटेड जो अच्छे से याद रखेंगे पहला क्वेश्चन है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया तो आप याद रखेंगे हरियाणा के गुरुग्राम में हरियाणा के गुरुग्राम में जो है ये स्थापित किया गया है देश का पहला विश्व शांति केंद्र अगला है भारत का पहला हेली हब भारत का पहला हेली हब जो है ये कहां पर स्थापित किया गया तो ये भी गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है ये भी याद रखेंगे भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये भी कहां पे गुरुग्राम हरियाणा के गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है ग्रेन एटीएम एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट ये जो है कहां पे स्थापित किया गया है तो मानेसर में हरियाणा के मानेसर में स्थापित किया गया है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मात्र शक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य से संबंधित है तो हरियाणा से संबंधित है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा से संबंधित चारा बिजाई योजना हरियाणा से संबंधित ई अधिगम योजना हरियाणा से संबंधित ठीक तो याद रखेंगे दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है हरियाणा से रिलेटेड कौन सा कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क ठीक है याद रखेंगे क्या है सफारी पार्क तो ये जो सफारी पार्क है ये कहां पे स्थापित किया गया अगर ये पूछा जाता है किस राज्य में तब तो याद रखेंगे हरियाणा अगर कहा जाए कि कहां पे तो आप याद रखेंगे गुरुग्राम में गुरुग्राम में जो है देश का सॉरी दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया गया है इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा तो ये किया जाएगा हरियाणा में और हरियाणा में कहां पर तो हरियाणा के राखी गढ़ी में याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय तो ये कुछ क्वेश्चन है हरियाणा से रिलेटेड अच्छे से याद रखेंगे अगला है तेरह सेकेंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हडलर कौन बनी ऑप्शन नंबर यहां पे करेक्ट होगा बी ज्योति याराजी हार्ड बैरियर यहां पे क्या लिखा है बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली यानी कि आप समझेंगे बाधा दौड़ दोस्तों जो ज्योति हैं इन्होंने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम समय में पूरी करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है जो ज्योति हैं ये पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं जिन्होंने 100 मीटर की जो बाधा दौड़ है वो तेरह सेकेंड से कम समय में पूरी की है उन्होंने रेलवे का प्रतिनिधित्व करते हुए बारह दशमलव में ये जीत हासिल की है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखेंगे आप कि जो ज्योति याराजी हैं ये पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं तेरह सेकंड से कम समय में सौ मीटर की बाधा दौड़ पूरी करने वाली यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं ये ज्योति याराजी हैं जिन्होंने जो है तेरह सेकेंड से कम समय में बारह दशमलव में सौ मीटर की जो बाधा दौड़ है उसको पूरा किया है अगला क्वेश्चन है ए एफ सी एशियाई कप दो की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कतर दोस्तों एशियाई फुटबॉल संघ जो एएफसी है इसने घोषणा की है कि जो कतर है कतर फुटबॉल एसोसिएशन यह एएफसी सी एशियाई कप 2023 की मेजबानी करेगा तो याद रखेंगे आप कि अगर पूछा जाता है कि एएफसी सी एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा तो यह करेगा कतर दोस्तों कतर की अगर हम बात करें तो कतर से संबंधित आपको याद रखना है कतर की कैपिटल क्या है तो कतर की कैपिटल क्या है तो याद रखेंगे दोहा कतर की राजधानी है कतर के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो उनका नाम भी याद रखेंगे खालिद बिन खलीफा ये जो है कतर के प्राइम मिनिस्टर है यानी कि प्रधानमंत्री है कतर की करेंसी क्या है मुद्रा क्या है तो कतरी रियाल रियाल जो है इसकी क्या है रियाल याद रखेंगे रियाल है इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा दोस्तों अभी जो आपका पेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था क्या पूछा गया था कि ओमान की राजधानी क्या है ठीक है तो ये जो कैपिटल होती है, है।, इसलिए आप जब भी कोई भी आता है तो उसकी जो कैपिटल के निलंबन पुल को मंजूरी दी गई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कृष्णा नदी पर दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर कौन सी नदी है कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को केंद्र सरकार ने तीस महीने निर्माण अवधि के की साथ एक हजार बयासी दशमलव पांच छह करोड़ रुपए की कुल लागत को मंजूरी दे दी है यानी यह जो सस्पेंशन ब्रिज है तीस महीने में पूरा होगा और कितने रुपए के साथ तो एक हजार बयासी दशमलव पांच छह करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है कि पूरा होने के बाद यह जो पुल है ये दुनिया में अपनी तरह का दूसरा पुल होगा और इंडिया में ये ऐसा पहला पुल होगा ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे दुनिया का दूसरा और भारत का पहला इसमें कई अनूठी विशेषताएं भी होंगी जैसे नदी के पार सबसे लंबा कांच का पैदल मार्ग होगा गोपुरम जैसे तोरण होंगे सिग्नेचर लाइटिंग और एक बड़ा नौ वाहन इसमें शामिल रहेगा इसके पूरा होने के बाद पुल हैदराबाद और तिरुपति के बीच की जो दूरी है वो 80 किलोमीटर कम कर देगा तो बेहद खास पुल अच्छे से याद रखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर एक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है यह बेहद खास है क्योंकि भारत में यह पहला ब्रिज होगा और इस तरह का दुनिया में ये दूसरा ब्रिज होगा अब दोस्तों तो अगर हम बात करें कि केबल जो स्टे ब्रिज होते हैं जो केबल सस्पेंशन ब्रिज होते हैं होते कैसे तो यहां जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक ब्रिज है और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है क्या है ये केबल है इसके माध्यम से ये जो ब्रिज है इसको सपोर्ट दिया गया यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है क्या है ये खंबे हैं और दोनों तो तरफ आप देख सकते हैं ये जो केबल है इसके माध्यम से इस ब्रिज को कैसा किया गया है यहां से जो है सपोर्ट दिया गया तो इस तरह के जो ब्रिज हैं वो पहली बार जो है बनाए जा रहे हैं कृष्णा नदी पर तो याद रखेंगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो यही पूछा जाएगा कि किस नदी पर तो आप याद रखेंगे किशना नदी पर अगला है हाल ही में T20 में विश्व कप खेलने वाले सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बन गए हैं तो ये बन गए हैं अयान अफजल खान ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं दोस्तों टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत तो 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में हुई है और टूर्नामेंट के पहले दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है क्या बना है क्योंकि सबसे कम उम्र के जो है खिलाड़ी मैदान में उतरे और एक रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम पर किया तो यूएई टीम के ऑलराउंडर है अयान अफजल खान ये जो है नीदरलैंड के खिलाफ टी वर्ल्ड कप दो के मैच में खेलने उतरे और सबसे युवा खिलाड़ी जो है टी वर्ल्ड कप खेलने वाले बन गए हैं ठीक रिकॉर्ड क्या बनाया कि टी वर्ल्ड कप खेलने वाले सबसे कम उम्र के जो एथलीट हैं वो कौन बन गए हैं तो ये बन गए हैं अयान अफजल खान दोस्तों अभी तक ये रिकॉर्ड किसके नाम पर था तो मोहम्मद आमिर जो है अभी तक सबसे कम उम्र की टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेलने वाले थे और ये जो मोहम्मद आमिर थे ये इस रिकॉर्ड को बनाने में कितनी एज थी इनकी तो इनकी जो है सत्रह साल एज थी और ये जो आपके अयान अफजल खान है ये जो है कितनी एज के हैं तो ये 16 साल के हैं और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम उम्र की टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेलने वाली एथलीट के तौर पर ठीक याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है अगला है कटी बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा असम से संबंधित है दोस्तों जो कटी बिहू त्योहार है ये असम का एक शुभ त्योहार है और यह कैसा त्योहार है तो ये एक फसल का त्योहार है ये 18 अक्टूबर 2022 को मनाया गया इस साल और यह दिन असमिया कैलेंडर के अनुसार कटी महीने के पहले दिन को चिन्हित किया जाता है कटी बिहू आमतौर पर हर दिन अक्टूबर में पड़ता है हर बार यानी कि हर बार जो है अक्टूबर में पड़ता है कटी बिहू को कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है जो असम में किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है यह फसल के मौसम की नई शुरुआत और चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक है तो याद रखेंगे आप या कटी बिहू किस राज्य से संबंधित है असम से संबंधित है और असम में एक जो है फसलों का त्यौहार है तो काफी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे तो दोस्तों ये थे 20 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था भारतीय कि शहर ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह में ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था हैदराबाद और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए और मैं आपसे रोज कहता हूं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर क्या करो तो यह है आज का क्वेश्चन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर क्या करो तो दोस्तों आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही वे लाइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू